नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और आज हैं हम सौर्य स्मारक में जो कि भोपाल में अरेरा हिल्स पर स्थित है। ये मेरे पीछे आप भारत माता की प्रतिमा देख रहे हैं, इसका अनावरण मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 15 अगस्त सन 2020 को किया गया है। सौर्य, जैसे ही हम भारत माता की प्रतिमा के पीछे आते हैं तो हम देखते हैं ओपन थिएटर है, तो यहाँ पर ये बैठने का सिस्टम है, सीढ़ियाँ हैं और सामने एक थिएटर है जो स्टेज दिखाई दे रही है। लेकिन उसके एकदम सामने यानी कि भारत माता की प्रतिमा के पीछे तो ये हमारा राष्ट्रीय चक्र है, जिसे कि अशोक चक्र भी कहते हैं, जो हमारे तिरंगे में और साथ में ही भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में है। इसमें जो 24 तीलियाँ हैं तो वो 24 तीलियाँ किन किन चीज़ों को प्रदर्शित करती हैं वो बताया गया है, जैसे संयम, आरोग्य, शांति, शील, त्याग, क्षमा, सेवा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, अधिकार, कर्तव्य, सहकार्य, न्याय, नीति, आर्य, समता, नियम, व्यवस्था, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि। तो ये 24 चीज़ें अगर हम अपने जीवन में ले लें तो संसार से लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सौर्य स्मारक के म्यूजियम में क्या है। स्मारक का लोकार्पण भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 14 अक्टूबर सन 2016 को किया गया। जैसे ही हम सौर्य स्मारक की वीथिका में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों तरफ की जो दीवारें हैं, यहाँ पर की जो हमारे पूर्वजों के सौर्य से जुड़ी हुई गाथाएं दिखाई गई हैं। सबसे पहले जैसे ही हम आते हैं तो ये भीमबेटका के भित्ति चित्र हैं। इसके बाद चौथी और पांचवी सदी के युद्ध को दर्शाया गया है। थोड़े और आगे आने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जा रहा है। थोड़े और आने पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि गुप्त साम्राज्य के जो चंद्रगुप्त थे उनको दिखाया गया है, उनके युद्ध कौशल को। फिर मौर्य राजवंश के युद्ध कौशल को, मालवा का शासक यशोवर्धन, गुप्त शासक की मध्ययुग युद्ध, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश, महाराणा प्रताप। यह एक चित्र है जिसमें कि हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें कि महाराणा प्रताप द्वारा जो मुगल सेनापति था बहलोल खां, उसको घोड़े के समय उसके धड़ को तलवार से दो भागों में काट दिया था। यह काफी चर्चित विषय है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य युद्ध, तात्या टोपे और अंग्रेजों के मध्य युद्ध, तथा 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या है। यह भारतीय तिरंगे का इतिहास है। सबसे पहले ये तिरंगा था, इसको 7 अगस्त 1906 कोलकाता में फहराया है। उसके बाद दूसरा ये है, इसको सप्तऋषि ऋषि के नाम से दिया गया था, इसका नाम सप्तऋषि ऋषि दिया गया था। इसे 22 अगस्त 1907 को फहराया गया। फिर तीसरे नंबर का डॉक्टर एनिमेशन लोकमान्य तिलक द्वारा फहराया गया था। चौथा 1921 में आंध्र प्रदेश के एक युवक द्वारा गांधी जी को बनाकर दिया गया था, जिसमें कि चरखे को जोड़ा गया है और ये कांग्रेस का अभी भी ध्वज है। इसके बाद 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा ने इसको इस झंडे को स्वीकार किया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इस ध्वज को 8 अगस्त 1921 को अपनाया और उसी वर्ष 31 अगस्त 1921 को इसको सर्वप्रथम फहराया। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जैसे कि हम तिरंगा भी कहते हैं, इसको 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी गई और 15 अगस्त 1947 को पहली बार फहराया गया। जैसे ही हम आगे आते हैं तो ये सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स यानी कि भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च कमांडर है, जो कि भारत में पदेन राष्ट्रपति होते हैं संवैधानिक दर्जे के हिसाब से। तो वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। इसके बाद जैसे ही हम थोड़े आगे आते हैं तो ये थल सेना के प्रमुख हैं, जो 1947 में जब अंग्रेजों ने हमें थल सेना सौंपी उस समय पहले अध्यक्ष थे जनरल कैलियप्पा, वो वर्तमान में मनोज पांडे का। इसके बाद वायुसेना प्रमुख हैं, जो 1947 से और आज की तारीख तक सेम नौसेना जैसे कि नेवी भी कहते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले एडमिरल सर चार्ल्स थॉमस मार्क थे और अभी वर्तमान में एडमिरल हरि कुमार जी।
जैसे ही हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि एक बंकर की प्रतिकृति बनी हुई है। बंकर क्या है? एक आधुनिक युद्ध कला में एक डिफेंसिव मोड है, एक सुरक्षात्मक घेरा है जो कि एक त्वरित आक्रमण या किसी प्राकृतिक आपदा के समय सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। बंकर में मुख्यतः आगे एक दीवार बनाई जाती है, ये रेत की बोरियां, कंक्रीट की दीवार भी हो सकती है जो कि शत्रु के हमले को रोकती है और सैनिक इसके पीछे से आक्रमण कर सकता है, यानी यह अपना स्वयं का बचाव करते हुए भी आक्रमण कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो 1947 में एक भारत पाकिस्तान के मध्य एक युद्ध भी लड़ा गया था जो कि कश्मीर युद्ध कहलाता है। तो ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं और बंटवारे की तस्वीरें कि कैसे लोग पलायन को मजबूर हुए। इसके बाद 1962 में जो इंडो चाइना वार है या साइनो इंडिया वार भी कहते हैं इसको, ये कुछ उसकी तस्वीरें हैं कि कैसे भारत ने विषम परिस्थितियों में चीन का डटकर मुकाबला किया। फिर 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि कश्मीर में पंजाब और गुजरात के सक्ती इलाके में मुख्य रूप से लड़ा गया। इसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था जहां पर ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी शास्त्री जी का निधन हुआ था। 1971 ये अभी तक की लड़ी गई भारत की लड़ाइयों में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई 1971 मानी जाती है क्योंकि इस युद्ध में भारत की एक निर्णायक विजय हुई और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया गया जो कि पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था जो अब बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। 1999 का युद्ध वह युद्ध है जो कि टीवी काल का युद्ध कहलाता है। इसका लाइव प्रसारण न्यूज चैनलों पर भी किया गया था जो कि जम्मू कश्मीर के सिर्फ दो जिलों में लड़ा गया था। प्रथम जिला मुख्यालय कारगिल था इसलिए इसको कारगिल युद्ध कहते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं कि कैसे हमारे सैनिक शांति काल में देश की सेवा करते हैं जैसे कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो भारतीय सेना में रेजिमेंट्स हैं उनके चिन्ह हैं, जैसे सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, महार रेजिमेंट आदि। अभी हम सियाचिन ग्लेशियर की गैलरी में हैं तो हम देख रहे हैं कि सियाचिन जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है उसकी एक रेप्लिका बनाई गई है जहाँ पर कि ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान -55 से 60 डिग्री रहता है, जहाँ पर कि अगर 3 महीने से ज़्यादा कोई सैनिक तैनात कर दिया जाए तो उसे तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं और अगर 2 से 3 घंटे सैनिक खुले में रहे तो उसे फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में कैसे हमारे देश के वीर योद्धा अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो ये एक सियाचिन जो ग्लेशियर है उसकी रेप्लिका है, यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी कहलाता है। और अभी यहाँ पर हम जो देख रहे हैं यहाँ भी टेम्परेचर माइनस में है। आप ये देख रहे हैं कि पीछे जो ये है ये बर्फ है, तो 0 डिग्री से नीचे ही तापमान है और हमें लगभग सिर्फ 1 या 1.5 मिनट ही हुआ है अंदर आए और हमें ठंड लगने लगी है। इसके बाद जैसे ही हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि ये सेना पदक लगे हुए हैं जो कि सैनिकों को उनकी वीरता के लिए दिए जाते थे, तो जिसे गैलेंट्री अवार्ड भी कहा जाता है। तो हाईएस्ट जो वीरता पदक है वो कहलाता है भारत में परमवीर चक्र, जो कि अभी तक लड़े गए 4 युद्धों में सिर्फ 27 या 28 लोगों को ही मिला है, जिनमें कि कारगिल युद्ध के समय 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था, जिनमें कि विक्रम बत्रा का नाम हम सब लोगों ने सुना है, कैप्टन विक्रम बत्रा। सर्वोच्च जो सम्मान है वो है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, वीर चक्र। और आज़ादी के पहले जब भारतीय सेना ब्रिटिश एम्पायर के अधीन थी तो उस समय जो परमवीर चक्र था वो विक्टोरिया क्रॉस के नाम से जाना जाता था। देख रहे हैं ये वॉर फ्लैग है, तो जिस क्षेत्र में युद्ध होता है, जहाँ लड़ाई चल रही होती है, वहाँ इसको लगाया जाता है जिससे कि एक आम जन उस क्षेत्र में ना जाए और उन्हें पता रहे कि यह युद्ध क्षेत्र है। ये जो दीवारों पर चित्र हैं ये हमारे उन सूरवीरों के हैं जिन्होंने कि युद्ध में अपने प्राण वीरगति को न्योछावर किए, या ये उन सूरवीरों के चित्र हैं जिन्होंने युद्ध में वीरता पुरस्कार जीते, जिनमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र भी है। और साथ में ये उनके नाम के साथ साथ उनकी रेजिमेंट और किस युद्ध में कौन सा उन्हें पुरस्कार जीता उन्होंने वो भी दिया हुआ है। तो ये पूरी वीथिका उसी की है।
दर्शक हैं उनकी ये 3D पेंटिंग है तथा उनके मैक्सी हैं। अभी हाल में ही इसमें एक सुधार किया गया है। यहाँ भारत का आप तिरंगा देख रहे हैं। अभी हाल के कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर चूँकि भारतीय नौसेना को भी हम लोगों ने ब्रिटिश एम्पायर से लिया था तो उनका इंसिग्निया था जिसे कि चिन्ह कहते हैं जिसमें यूनियन जैक मिला करता था, ये कुछ समय पहले ही बदला गया है। ये हमारे कुछ नौसैनिक बेड़े रेडियोस्कोप हैं जिनकी तस्वीरें हैं। ये INS दिल्ली की रेप्लिका है। इसमें जब हम पीछे देखते हैं तो इंडियन फ्लैग के साथ साथ यूनियन जैक का क्रॉस भी बना हुआ है जिसे कि केंद्र सरकार ने अभी कुछ समय पहले ही बदला है। अब तिरंगे के साथ साथ भारतीय नौसेना का चिन्ह अलग कर दिया गया है। ये पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये INS शिवालिक क्लास की फ्रिगेट है। इस पर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि आप इसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये एक अतुला क्लास की पनडुब्बी की रेप्लिका है जो कि एक अटैक सबमरीन है। इसकी जो कि वेट है वो 12,650 टन है। और ये चक्रा क्लास पनडुब्बी की रेप्लिका है जो कि लगभग 1900 टन की है। ये भी एक अटैक सबमरीन है। अब हम आते हैं एयरफोर्स की गैलरी में। तो यहाँ पर हम देखते हैं विमान एयरक्राफ्ट का मॉडल लगा हुआ है जिसे कि बापती कहते हैं। ये दुनिया का सबसे पहला फाइटर प्लेन था जो कि 1927 में वायुसेना को सौंपा गया। और भारत के फील्ड मार्शल अर्जुन सिंह पहले पायलट थे जिन्होंने इसको चलाया। इसके बाद ये कुछ और उनके फाइटर प्लेन्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रेप्लिका है जैसे ग्लोबस्टर हरक्यूलस जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, सुखोई 35, MiG-29, अपाचे हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा। तो ये दिखाया गया है कि कैसे ये रनवे पर खड़े हुए हैं तथा पीछे हिमालय पर्वत की चोटियों को दर्शाया गया है। मेरे पीछे आप भारतीय थल सेना की रैंक और इंसिग्निया देख रहे हैं। इंसिग्निया मतलब उनके बैचेस, जो बैच कौन कौन से लगते हैं। जैसे सबसे नीचे की रैंक होती है सिपाही, उसके कंधे पर कुछ नहीं होता है। फिर लांस नायक, उस पर एक वाइट कलर की पट्टी रहती है। नायक हवलदार नायक सूबेदार होते होते लेफ्टिनेंट कर्नल तक अशोक चक्र आ जाता है। और सबसे आखिर में जो सर्वोच्च जो 5-स्टार रैंक जनरल होते हैं वो फील्ड मार्शल कहलाते हैं। ये कभी रिटायर नहीं हुआ करते हैं फील्ड मार्शल। भारतीय सेना में अभी सिर्फ 2 फील्ड मार्शल हुए हैं, एक जनरल KM करियप्पा जो पहले थे और नेक्सा जो 1900 भारत पाकिस्तान के मध्य हुए युद्ध में भारतीय थल सेना प्रमुख थे। इसके बाद जब हम आते हैं तो ये एयरफोर्स की इंसिग्निया की हुई है। सेम इसमें भी सबसे नीचे की जो रैंक है वो एयरक्राफ्ट्समैन होती है और सबसे ऊपर की होती है मार्शल ऑफ दी एयरफोर्स जो कि वायुसेना अध्यक्ष कहलाता है। सेना की इंसिग्निया में है इसमें जो सबसे नीचे की रैंक रहती है वो सीमैन कहलाती है और सबसे हाईएस्ट जो रैंक है वो एडमिरल कहलाती है। तो थल सेना का प्रमुख होता है थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना का प्रमुख होता है वायुसेना अध्यक्ष और जल सेना का होता है जल सेना अध्यक्ष। जल सेना वाले को एडमिरल, वायुसेना वाले को फील्ड मार्शल और थल सेना वाले को जनरल कहते हैं। लेकिन ये सभी 4-स्टार रैंक है, इसके बाद एक 5-स्टार रैंक भी होती है जैसे कि फील्ड मार्शल कहा जाता है या कभी रिटायर नहीं होते। लेकिन गाँव के जो प्रमुख होते हैं ये 4-स्टार जनरल रैंक होती है। लेकिन कुछ समय पहले भारत सरकार ने एक रैंक और इंट्रोड्यूस की है जिसे कि 5-स्टार रैंक के इक्विवेलेंट माना जाता है या फील्ड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के, जो कि पहले जनरल बिपिन रावत जी थे। ये तीनों सेनाओं में एक बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए डेवलप की गई है, आर्म्ड फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये थल सेना के टैंक्स हैं जो कि युद्ध की परिस्थितियों में कैसे छिपाया जाता है, कैसे अटैक किया जा सकता है। ये थार के रेगिस्तान की रेप्लिका दिखाई गई है तथा वहाँ पर जो राइफल है उनका आप राइफल का अगर अलाइनमेंट देखेंगे तो 45 डिग्री है जिससे कि मारक क्षमता दूर कर रहे। अब हम हैं ओपन थिएटर में जो कि युद्ध का रंगमंच के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर युद्धकाल की गतिविधियों का मंचन किया जाता है। इसके बाद अंदर एक और गैलरी है जैसे कि मृत्यु का नाम दिया गया है। तो हम देखते हैं कि मृत्यु में क्या है। हम मृत्यु में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि एक अंधेरी गुफा है एकदम जिसमें कोई भी प्रकाश नहीं है। तो शायद ये मृत्यु का गोता है।
इसके बाद मृत्यु, जैसा कि हम जानते हैं कि मृत्यु के बारे में जीवन है, तो मृत्यु से जब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर मृत्यु पर विजय, ये एक ओपन थिएटर। अब हम ओपन गार्डन में आ चुके हैं और हम देखते हैं कि ये अमर जवान ज्योति की जो रेप्लिका होती है वैसी बनाई गई है हमारे वीर जवानों के सम्मान में। अब हम आ चुके हैं शौर्य स्तंभ पर, जो कि शौर्य स्मारक में प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर हम देखते हैं अमर जवान ज्योति भी जल रही है, जो कि हमारे वीर बहादुर सैनिकों के लिए सम्मान का प्रतीक है। अब हम आ चुके हैं एक और चिन्ह पर। आप ये मेरे पीछे जो चिन्ह देख रहे हैं, ये एक खून की बूंद का चिन्ह बनाया गया है। तो कैसे हमारे वीर जवान, वीर सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपना खून बहाते हैं, उनके सम्मान में ये खून की बूंद का एक चिन्ह बनाया गया है। रक्त की बूंद के बाद हम आते हैं, तो ये हमें टोड आर्टिलरी है। टोड आर्टिलरी मतलब जिसको टो करके ले जाया जाता था, उसमें कोई इंजन नहीं रहता था, ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। हम इसका अलाइनमेंट अगर देखेंगे तो ये 45 डिग्री है। हम जितने भी अस्त्र शस्त्र देख रहे हैं सभी 45 डिग्री में ही हैं झुकाव। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई चीज़ दूर तक फेंकना होती है तो 45 डिग्री का कोण ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था शौर्य स्मारक को समझने और देखने का। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं। और अगर आपको मेरे ये प्रयास पसंद नहीं आए तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद।